कहते हैं कि जंगल की दुनिया बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, जहाँ पे कब और कौन सा जानवर मौत बनकर सर पे खड़ा हो ये बात कोई नहीं जानता, क्योंकि जंगल में एक ही कानून होता है कि वहाँ पे कोई कानून नहीं होता। जंगल में सर्वाइव करना है तो एक दूसरे को मारकर खाना ही पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। और यही वजह है कि जंगल में हर रोज हजारों की तादाद में जानवर एक दूसरे को मारकर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अपनी जान सबको प्यारी होती है, और इसी तरह से ये जानवर भी शिकारियों से अपने आप को बचाने के लिए हर वो लड़ाई लड़ते हैं जो कि उनसे संभव हो पाता है। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रोमांचित बैटल ऑफ से रूबरू कराएंगे, जहाँ पे आप साफ तौर पे देख पाएंगे कि कैसे ये जानवर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज की ये वीडियो काफी रोमांचक होने वाली है। जैगुआर वर्सेस क्रोकोडाइल। कहने को तो जैगुआर बिल्ली प्रजाति से संबंध रखते हैं, लेकिन इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि एक डरपोक बिल्ली में होती है, क्योंकि जैगुआर बड़े ही खतरनाक होते हैं जो कि अपने शिकार पे करीब करीब 1500 PSI बाइट फोर्स से अटैक कर उनकी जान ले लेते हैं। आमतौर पर जैगुआर चल बथल दोनों जगहों पे शिकार करने में माहिर होते हैं, जो कि इन्हें छुप छुप कर शिकार करने में महारत हासिल है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छोटे मोटे जानवरों का शिकार तो किया ही करते हैं, जबकि वहीं पे इन्हें कैमन और क्रोकोडाइल का शिकार करने में बड़ा ही मजा आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक भूखा जैगुआर शिकार पे निकल चुका है, जो कि ये बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, और अंततः ये शातिर शिकारी तालाब के किनारे मौजूद झाड़ियों में छुप कर बैठ जाता है। हालांकि कुछ ही सेकंड्स में इसकी निगाह पानी में मौजूद क्रोकोडाइल पे पड़ जाती है, जो कि पहले तो उसे ये नोटिस करता है और देखते ही ये पानी में छलांग लगा देता है, और कुछ ही जद्दोजहद के बाद ये क्रोकोडाइल को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लेकर जंगल की तरफ चल देता है। वाकई एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि जैगुआर की हंटिंग टैक्टिक्स का कोई मुकाबला नहीं है, जो कि ये शिकार की गर्दन पे अटैक कर उसे पूरी तरह से पैरालाइज कर देते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले बैटल ऑफ की तरफ। दोस्तों जरा आप कल्पना कीजिए कि आप किसी तपती रेगिस्तान में बहुत सारे सांपों के बीच अकेले घिर चुके हों, तो आप ऐसी अवस्था में क्या करेंगे। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, जहाँ पे ये इगुआना इन सांपों के बीच घिर चुका है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि इगुआना छिपकली की एक प्रजाति होती है, जो कि ज्यादातर रेतीले व रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इगुआना पहले तो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, जबकि वहीं पे एक सांप इसे दौड़ाना शुरू कर देता है, और जैसे तैसे करके छिपकली इस सांप को मात तो दे देती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सांपों का एक पूरा ग्रुप ही इसके शिकार के फिराक में लग जाते हैं, और देखते ही ये सभी सांप इस छिपकली को दौड़ाना शुरू कर देते हैं। वाकई आज इगुआना बहुत ही बुरी तरह से फंसी है, जो कि देखने से ऐसा लगता है कि आज इसका बचपाना करीब करीब असंभव है, और भागते भागते ये छिपकली एक सांप के चपेट में आ जाती है। लेकिन लगता है कि आज छिपकली पे किस्मत वाकई मेहरबान है, जो कि कुछ ही जद्दोजहद में इन सांपों के गिरफ्त से छूटकर पहाड़ों की तरफ भागना शुरू कर देती है। हालांकि इसके पीछे पीछे सांप भी फिर से दौड़ाने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुक गई खेत, और अंततः ये छिपकली अपनी जान को बचाने में कामयाब हो जाती है। तो दोस्तों इस इगुआना की बहादुरी के लिए कमेंट बॉक्स में दो शब्द जरूर लिखें। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक लेपर्ड अपने शिकार को लेकर पेड़ पे चढ़ गया है, लेकिन वहीं पे जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर की निगाह इस पे पड़ जाती है, जो कि बेखौफ होकर पेड़ पे चढ़ना शुरू कर देता है। वहीं पे लेपर्ड भी अपने इस लजीज दावत को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता, और देखते ही शेर के अन्य साथी भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि एक के बाद एक पेड़ पे चढ़ना शुरू कर देते हैं, और अंततः ये लेपर्ड शिकार को छोड़ दूर हो जाता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि शेर लेपर्ड का भोजन छीनने के लिए पेड़ पे चढ़ गए हों। ऐसे ही एक और वीडियो क्लिप देखिए कि कैसे ये लेपर्ड पहले तो पेड़ से इम्पाला पे एक जानलेवा हमला करता है, और फिर कुछ ही सेकंड्स में उसकी जान लेकर पेड़ पे चढ़ जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और इस तरह दो शेर भी मौके पे ही आ जाते हैं और पेड़ पे चढ़कर इम्पाला को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। वहीं पे लेपर्ड इस मंजर को देखता ही रह जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले बैटल ऑफ की तरफ। यहाँ पे इन जंगली कुत्तों ने अपने शिकार के रूप में इस भूषभक को चुना है, जो कि ये पहले तो बिजली की रफ्तार से दौड़कर एक के बाद एक भूषभक पे अटैक कर रहे हैं, जो कि इस हमले से बुरी तरह से घायल हो चुका है। और फिर ये जंगली कुत्ते बड़ी ही बिरहमी से भूषभक को दबोचते हुए खुले मैदान की ओर ले आते हैं, और देखते ही ये खूंखार जानवर भूषभक का चीर फाड़ कर उसे एक लजीज पकवान की तरह खाना शुरू कर देते हैं। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए कि कैसे ये हनीवेजर अपने मासूम बच्चे को लेपर्ड से बचा लेती है। यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक लेपर्ड हनीवेजर के मासूम बच्चे पे अटैक कर दिया है, लेकिन वहीं पे जानकारी के लिए बता दें कि हनीवेजर भले ही आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो साहस और जज्बा है वो अन्य किसी जानवर में नहीं है, क्योंकि ये छोटे से दिखने वाले जानवर काफी गुस्सैल व तेज तरार शिकारी होते हैं, जो कि जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर से भी भिड़ने से पीछे नहीं हटते। और यहाँ भी ये मदर हनीवेजर अपनी
अपनी साहस और बहादुरी का पराक्रम दिखाते हुए लेपर्ड पे अटैक कर अपने मासूम को बचा लेती है। इस वीडियो क्लिप को एक बार और देखिए कि मदर सनीवेजर का हमला कितना जानलेवा था, जो कि लेपर्ड को भागने पे मजबूर कर देती है। चलिए बढ़ते हैं अगले बैटल ऑफ की तरफ। ये वीडियो क्लिप है लोअर जाम्बेजी नेशनल पार्क की। यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि भारी तादाद में भैंसे जंगली कुत्तों के डर से भाग रही है। वहीं पे ये वाइल्ड डॉग्स भी उनके शिकार के फिराक में लगे हुए हैं और अंततः ये जंगली कुत्ते एक बड़ी सी भैंस को अपना निशाना बना ही लेते हैं, जो कि ये भैंस को चारों तरफ से घेर कर उसे अपने आगे झुकने पे विवश कर दिए हैं। आमतौर पे जंगली कुत्तों का सबसे बड़ा हथियार उनका ग्रुप ही माना जाता है, जो कि ये बड़े से बड़े शिकार को भी बड़ी सहजता से अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उन्हें जिंदा ही नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ भी ये जंगली कुत्ते इस भैंस को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस भैंस का एक साथी इसे बचाने के लिए आगे तो आता है, लेकिन यह भी इन जंगली कुत्तों को देख इनसे दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझता है। वहीं जानकारी के लिए बता दे कि ये कुत्ते शिकार को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए ज्यादातर उनके प्राइवेट पार्ट पे ही अटैक करते हैं, जिससे शिकार का चलना भी मुश्किल हो जाता है। और देखते ही देखते ये जंगली कुत्ते इस भैंस की जान ले लेते हैं और फिर अपने अपने हिस्से का मांस खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक और वीडियो क्लिप देखिए। यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक कोमोडो ड्रैगन भैंस के इस मासूम बच्चे को अपना निशाना बनाया है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि ड्रैगन छिपकली की एक प्रजाति मानी जाती है, जो कि दिखने में बेहद ही आक्रामक व बदबूदार जीव होते हैं, जिन्हें जंगल के ज्यादातर जानवर दूर से ही सलाम ठोकते हैं। आमतौर पे कोमोडो ड्रैगन डायनासोर के परिवार से ही ताल्लुकात रखते हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली भी माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रेप्टाइल्स इंसानों तक का शिकार करने से पीछे नहीं हटते, जो कि ये ज्यादातर हिरन भैंसे बारहसिंगा आदि का शिकार किया करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ड्रैगन कितनी बेरहमी से इस मासूम के पिछले धड़ को नोच रहा है। वहीं पे ये हेल्पलेस माँ इस मंजर को देखती जा रही है। हालांकि कुछ ही सेकंड्स में ड्रैगन का एक और साथी भी आ जाता है और वो भी इस मासूम से बच्चे पे टूट पड़ता है। और देखते ही देखते ये शातिर शिकारी इस मासूम बच्चे को जिंदा ही नोच नोच कर खा जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले बैटल ऑफ की तरफ। यहाँ पे ये रेड टेल्ड हॉक अपने भोजन के रूप में सांप को चुना है, जो कि इसका फेवरेट दावत में से एक है। आमतौर पर ये शिकारी पहले शिकार को अपनी मजबूत और नुकीले पंजों में धड़ दबोचते हैं और तब तक शिकार को जकड़े रहते हैं कि जब तक वह दम न तोड़ दे। और यहाँ भी यह हॉक इस सांप को मारने की पूरी जद्दोजहद में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा बैटल ऑफ आपको सबसे रोमांचक लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।